students, and I also welcome you all again in my YouTube channel. Now I am going to explain another new topic that is related to bearing, and also this is very important from exam point of view. So let's start. Dear students, जो पहले हम लोग बात कर रहे थे बियरिंग की, उसमें हम नेक्स्ट अब आ गए हैं बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग के। तो बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग के बारे में बात करें, आपने इसके पहले पढ़ा स्लाइडिंग जो कॉन्टेक्ट बियरिंग होती है उसके बारे में। तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग के बारे में आपने क्या पढ़ा कि जो भी बियरिंग होती है उस बियरिंग के सेक्शन में जो आपका शाफ्ट होता है वो स्लाइड करता है इस तरह से। तो जब ये स्लाइड करता है तो इन दोनों के बीच में कम्प्लीट कॉन्टेक्ट होता है, यानी कि उनका पूरा सर्फेस होता है एक साथ कॉन्टेक्ट में आता है। तो जब ये अपनी मोशन स्टार्ट करते हैं तो वहां पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है। मान लीजिए अगर ये आपकी शाफ्ट है, ये बियरिंग का पोर्शन है इनर रेसेस की, ये इनर साइड है, तो इन दोनों के बीच में मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा और ये मेटल टू मेटल कांटेक्ट से ही अपनी जो रनिंग होती है उसको स्टार्ट करते हैं, अपनी मोशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मेटल टू मेटल कांटेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो उनके बीच में इनिशियल फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपकी कम्प्लीटली दूर हो जाती है जो बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग है उससे, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप देखेंगे तो इनके रेसेस और बॉल्स के बीच में पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट होता है। यानी इनिशियली जब ये शुरू करेंगे तो इनका सरफेस ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आता है, तो इनिशियल इनका जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए जो आपकी बॉल बियरिंग या फिर रोलर बियरिंग होती है उसको हम नाम देते हैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, ठीक है। तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में आपका बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग दोनों ही आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बॉल बियरिंग की, तो देखिए ये कंप्लीट फिगर आपको दिख रहा है बॉल बियरिंग का, जो कि हम आप अगर इस तरह से सामने ऐसे रख देते हैं बियरिंग या ऊपर ऐसे रख देते हैं टेबल पे और ऊपर से देखते हैं तो वो टॉप व्यू हो गया एक तरीके से हमारे लिए, या फिर हम बियरिंग को ऐसे पकड़ के हाथ में ऐसे इस तरह से है तो सामने से देखते हैं तो ये समझिए हमारा फ्रंट व्यू हो गया। तो ये बियरिंग का वो सेक्शन है। अब बियरिंग के इस सेक्शन को अगर मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे कट कर दें, तो जब कट कर देंगे तो ये जो सेक्शन है, यानी अभी तक जो बियरिंग है वो ऐसे है, अब इस बियरिंग का हाफ सेक्शन जब कट कर देंगे तो अब बियरिंग का ये सेक्शन इस तरह से होगा हाफ कट करने के बाद। अब जब इसको आप सामने करके देखेंगे तो यहाँ की बॉल्स और यहाँ वाले पोर्शन की बॉल, ये दोनों ही बॉल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका इस तरीके से ये काट करके आपको ये दिखाया जा रहा है, इसका सेक्शनल कट है ये। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें देखिए जो बियरिंग है बॉल बियरिंग या फिर रोलर बियरिंग, इसमें दो रेसेस होते हैं, एक ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं आउटर रेस और इनर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं इनर रेस। ये बात कैसे डिसाइड करते हैं कि जो शाफ्ट होगा वो मान लीजिए इसके पूरे कॉन्टेक्ट में ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या देखते हैं कि शाफ्ट वाले पोर्शन के साथ ये पूरा सेक्शन जो इसका इनर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे जो रेसेस कट किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इनर रेस, और ऊपर वाले सेक्शन में जो रेसेस कट किए जाते हैं उनको बोलते हैं आउटर रेस। रेस का मतलब होता है खाली जगह, ऐसे समझिए जैसे ये सेक्शन है तो इधर थोड़ा सा वो बना दिया गया खांचे जैसा, और इधर वाले सेक्शन में भी थोड़ा सा ऐसे बना दिया गया। तो ऊपर वाला जो पार्ट है जो बाहरी डायामीटर पे पड़ रहा है, यानी इसके जो आउटर डायामीटर पे पड़ रहा है इसको हम बोलेंगे आउटर रेस, और इसके इनर डायामीटर पे जो रेस बनेगा उसको हम बोलेंगे इनर रेस। तो आउटर रेस और इनर रेस हो गया। आउटर रेस और इनर रेस के जो बीच में आप देखेंगे तो आउटर रेस सॉरी जो इनर रेस होता है मोस्टली जो शाफ्ट होता है, अब जैसे ऐसे समझिए तो ये अंदर का जो सेक्शन हिस्सा हुआ ये इनर रेस हुआ, और जबकि बाहर वाले सेक्शन पे ये आउटर रेस होता है। तो दोनों के बीच में, अब ये है इन दोनों के बीच में लगा दी जाती बॉल, ठीक। तो मोस्टली जो इनर रेस होता है वो जो शाफ्ट होती है उस पे माउंटेड होता है, यानी इसी शाफ्ट पे लगा होता है उसके साथ घूमता है ये, और जबकि आउटर रेस जो होता है वो मोस्टली फिक्स होता है, इसमें अलग रेसेस कट कर दिए जाते हैं। तो इन दोनों रेसेस के बीच में आप देखते हैं लगा दी जाती है बॉल्स। अब ये बॉल्स जो होती हैं वो आउटर रेस और इनर रेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन करती है, ठीक है। तो बॉल्स जो है वो एक साथ आकर के ना मिल जाएं या एक दूसरे से लग करके फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट ना करें, इसके लिए क्या किया जाता है कि बॉल्स को उसी एक पोजीशन पर ही मेंटेन बनाए रखा जाता है। तो उस एक डेफिनेट स्पेसिफाइड पोजिशन पे मेंटेन बनाने के लिए इसके में केज लगा दिया जाता है या फिर रिटेनर लगा दिया जाता है। अब अगर कहें कि केजिंग, केजिंग का मतलब होता है कि बाहर से देखेंगे
इस तरफ से ऊपर से ऐसे सेक्शन होता है जो इस पूरे बॉल्स को ऐसे रोके रहता है, इधर साइड से भी लगाते हैं पीछे साइड से भी लगाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड केज। और अगर दूसरा होता है रिटेनर, रिटेनर क्या होता है, दो अलग अलग स्ट्रिप्स होती हैं, उन स्ट्रिप्स को इस तरीके से ये जो पोर्शन है, अगर मान लीजिए इस तरह से बॉल लगा रहे हैं तो इन बॉल्स के बीच में ऐसे दो पतली स्ट्रिप्स लगा दी जाती हैं, ये दो अलग अलग पार्ट में होती हैं, दोनों का काम होता है कि बॉल्स को न इधर बाहर जाने देंगे न इधर बाहर जाने देंगे, और ये बॉल जो होगी वो इन्हीं दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन अपना करती रहती है। तो इस तरह से ये आपका रिटेनर हो जाता है, ये बाहर से जो पोर्शन दोनों तरफ हम लगा देते हैं बॉल के, वो आपका केज हो जाता है, ठीक है। तो बॉल बेयरिंग जो होती है उसमें आपके केज या फिर रिटेनर जो है लगा करके बॉल को उसकी जगह पे स्पेसिफाइड किया जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो बॉल बेयरिंग होती है इनके रेसेस के बीच में और बॉल्स के बीच में बहुत ही कम सर्फेस एरिया एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि बॉल्स बेयरिंग जो होती है बॉल बेयरिंग के उस पोर्शन में ये पॉइंट कांटेक्ट करता है, यानी बहुत कम कांटेक्ट होता है, इसलिए इनमें जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, इसी वजह से इसका नाम दिया जाता है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, ठीक है। अब दूसरी बात आप ये देखिए कि इसका जो यूज किया जाता है, जो बॉल बेयरिंग होती है एज कम्पेयर टू रोलर बेयरिंग, ये लाइट लोड्स के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा पोर्शन आप देख रहे हैं जो ये वाला पोर्शन है, तो जब इसी सेक्शन में बॉल्स को हटा करके वहां पे रोलर्स लगा दिए जाते हैं तो बॉल बियरिंग की जगह ये हो जाता है रोलर बियरिंग। अब रोलर बियरिंग में क्या होता है कि आप देखेंगे कि इसका इनर रेस और आउटर रेस इसमें भी है, ठीक है, इन्हीं इनर और आउटर के बीच में ये बॉल्स आपके रोलर जो है वो फिट कर दिए जाते हैं। तो रोलर के केस में क्या होता है कि जो इनर रेस होता है उस इनर रेस में इनर पोर्शन जो होगा इनर डायमीटर उसमें रेसेस बनाए जाते हैं, जबकि ऊपर का सेक्शन देखिए पूरी तरह से प्लेन है, इसमें कोई रेसेस नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो रोलर बियरिंग के केस में जो आउटर वाला पोर्शन होता है आउटर डायमीटर होता है उसमें कोई रेस नहीं बनाया जाता, उसको प्लेन रखा जाता है, जबकि नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसमें इनर रेसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये बॉल्स आपकी जो है वो रखी जाती है उसमें पड़ाई जाती है। और ये इनर रेस जो होता है जो आपका शाफ्ट होगा इसमें ऐसे लगेगा उस शाफ्ट के साथ ही ये रोटेट करता है, जबकि बाहर वाला पोर्शन जो होता है बाहर जो आउटर रेस है एक तरीके से वो क्या होगा फिक्स होता है, ठीक है। अब आपकी जो रोलर बियरिंग होती है इसमें हम रिटेनर या केज जो होता है वो इस्तेमाल करते भी हैं, यूज करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस पे, ठीक है। और ये जो आपका रोलर बियरिंग होता है बेसिकली ये जो है हैवी लोड जो होता है वो उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये हैवी लोड के लिए यूज किया जाता है, जबकि आपका जो बॉल बियरिंग है वो आपका लाइट लोड्स के लिए यूज किया जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से आपने बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग को देख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लोड ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो एक आपका होती है रेडियल बियरिंग और दूसरी होती है थ्रस्ट बियरिंग, यानी एक तो हो गई ये रेडियल बियरिंग, ठीक है, दिस इज द रेडियल बियरिंग और ये आपकी हो गई थ्रस्ट बियरिंग, ठीक है। रेडियल बियरिंग के केस में क्या होता है कि जो लगने वाला लोड होता है बॉल पे वो रेडियल डायरेक्शन में पड़ता है, यानी अगर ये बॉल है तो बॉल की रेडियस इधर है तो इसके रेडियल डायरेक्शन में पड़ता है, ठीक है। जब ये रेडियल डायरेक्शन में पड़ता है तो जो बॉल है उसके रोटेट करने का जो एक्सिस होता है वो हमेशा आपको ये जो एक्सिस ऑफ शाफ्ट है, मान लीजिए अगर इस तरह से कहें तो ये शाफ्ट हो गई, ठीक है, और शाफ्ट जो है वो उसकी एक्सिस ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो बॉल की जो रोटेशन ऑफ एक्सिस होगी वो क्या होगी इसके जस्ट परपेंडिकुलर, यानी बॉल जो होगी वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है रेडियल बॉल बियरिंग। और थ्रस्ट बियरिंग होती है तो थ्रस्ट बियरिंग के केस में जो लगने वाला लोड होता है वो अलोंग, देखिए हमने पहले भी बात किया हुआ है कि रेडियल के केस में जो डायरेक्शन ऑफ लोड होता है वो अलोंग द रेडियल डायरेक्शन होता है, ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और थ्रस्ट बियरिंग के केस में जो लगने वाला लोड होता है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ शाफ्ट लगता है, यानी शाफ्ट के रोटेट करने के डायरेक्शन में ही वो लोड लग रहा होता है। तो यहाँ पे जो शाफ्ट ये है आपका लगने वाला लोड है वो क्या करता है, इसमें जो आउटर रेस और इनर रेस है उन दोनों के बीच में एक ऑफसेट क्रिएट करने की कोशिश करता है, उसको शिफ्ट करने की कोशिश करता है, तो ये अलोंग द एक्सिस लगता है। तो इस तरह की अगर बियरिंग है तो ये पोर्शन आपका जो होता है वो थ्रस्ट बियरिंग में आ जाता है। तो इस तरह से बॉल बियरिंग और ये रोलर बियरिंग का एक ऑन द बेसिस ऑफ लोड जो है वो आपका डिविजन हो गया। वैसे
जो आपके बॉल बियरिंग है इसमें हम बेसिकली रेडियल बॉल बियरिंग की बात करें तो रेडियल बॉल बियरिंग जो होती है उसके कई अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है सिंगल रो डीप ग्रूव, ठीक है। जो रो है वो सिंगल है, यानी कि सिंगल रो का मतलब होता है कि जो बॉल लग रहे हैं इसमें वो एक ही सीरीज में एक ही सेक्शन में बस बॉल लगाई गई है, ऐसे एक बार में एक एक बॉल रखी गई है, ठीक है। अगर डबल रो है तो जो बॉल होगी वो दो रो में लगाई जाएगी, तीन में है तो तीन रो में लगाई जाएगी, तो ये आपकी सिंगल रो डीप ग्रूव है, ठीक है। सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग जो होती है एक्चुअली इसमें क्या होता है कि दोनों सेक्शन में आप देखिए इसका जो रेसेस है वो कटा होता है, इनके बीच में बॉल हुआ है, तो जब इनिशियली बॉल्स को एंटर करते हैं इन दोनों पोर्शन का असेंबल डी असेंबल रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब रहता है, तो ये ऑफसेट कंडीशन में रहते हैं। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर ये रेस यहाँ है तो दूसरा रेसेस जो होगा वो इधर कटा है, तो देखिए इसका सेंटर यहाँ जा रहा है, इसका सेंटर यहाँ जा रहा है, इन दोनों के बीच में गैप है, तो ये पोर्शन इसको बोला जाता है ऑफसेट, तो थोड़ा सा ऐसे ऑफसेट करके बॉल्स को इसके अंदर इंटर कराया जाता है, तो नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर इंटर करते हैं। और जब इसको असेंबल करते हैं तो असेंबल की कंडीशन में ये वापस जो होता है वो फिर से कंसेंट्रिक हो जाता है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि ये पोर्शन जो है वापस सेंट्रलाइज होकर के बॉल्स को अपने बीच में ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी जो डीप ग्रूव डीप सिंगल रो डीप ग्रूव बियरिंग है वो आपकी कंप्लीट होती है, ठीक। तो सिंगल रो डीप ग्रूव बियरिंग में ये किस लिए यूज किया जाता है, दिस इज यूज फॉर द हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि देखिए किसी भी बियरिंग में जो बॉल्स की साइज और नंबर ऑफ बॉल्स होती है उसी के बेस पे उसकी बॉल बियरिंग कैपेसिटी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो डिसाइड होती है। नंबर ऑफ बॉल्स जितनी ज्यादा पड़ेगी उतना ही ज्यादा लोड बियर करने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। तो जो डीप ग्रूव बियरिंग है ये स्पेशली यूज करी जाती है फॉर द हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड फॉर हाई रनिंग स्पीड, यानी बहुत हाई स्पीड पे बहुत ज्यादा लोड कैरी करना हो तो ऐसी कंडीशंस के लिए आप जो है सिंगल लोड डीप ग्रूव बियरिंग का यूज करते हैं। क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज किया जाता है, अगर एप्लीकेशन देखें तो स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड फैन, स्मॉल और मीडियम साइज की जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें इस बियरिंग को यूज किया जाता है, वहां पे आप देखिए लोड कैरिंग कैपेसिटी काफी होती है, काफी हाई स्पीड से रन करता है। इसके अलावा फैन में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिक फैन जो होता है, ठीक है, उसमें भी आपकी ये सिंगल रो डीप ग्रूव बियरिंग यूज होती है। सेकेंड इज द मोटरसाइकिल एंड अदर लाइट ड्यूटी ऑटोमोबाइल जो होते हैं उसमें यूज करा जाता है। थर्ड आप देख रहे हैं कि बेल्ट कन्वेयर जो होता है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज द पंप, चौथा है कि पंप में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिलिंग नॉच बियरिंग की, ठीक है। फिलिंग नॉच बियरिंग एक्चुअली अगर हम बात करें तो देखिए जो सिंगल रो डीप ग्रूव बियरिंग होती है उसके कंपैरिजन में इसमें जो इनर रेस और आउटर रेस है, ये तो इसका ऊपर का पोर्शन हो गया आउटर रेस और ये आपका हो जाएगा इनर रेस, तो इनर रेस आउटर रेस के बीच में दो नॉच कटे होते हैं। नॉच का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा सेक्शन काट दिया गया है, और नॉच जो होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि ये पूरा बॉटम तक नहीं काटा जाता, ठीक है, आगे के पोर्शन में थोड़ा थोड़ा इसको नॉच किया गया, जैसे अगर ऐसे आता तो यहाँ सीधा ऐसे आता, लेकिन इतना पोर्शन इसका कट कर दिया गया है, ठीक है ना, इसको नॉच बोलते हैं। तो इसमें आउटर और इनर दोनों पोर्शन पे इनर रेसेस पे इसमें क्या कर दिए गए हैं कि नॉच कट कर दिया जाता है। नॉच कट करने का फायदा ये है कि जब नंबर ऑफ बॉल्स इसके अंदर जा चुकी हैं बहुत सारी, इसके बावजूद भी हम और नंबर ऑफ बॉल्स को इसके अंदर आसानी से फोर्स करके पोजीशन कर सकते हैं, मतलब बल लगा करके और ज्यादा से ज्यादा बॉल इसके अंदर डाल सकते हैं बियरिंग के अंदर। तो हमने पहले ही कहा कि लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो नंबर ऑफ बॉल्स और उसके बॉल की साइज पे डिपेंड करती है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉल्स इसके अंदर जाएंगे उतनी ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी। तो एज कम्पेयर टू सिंगल लोड डीप ग्रूव बियरिंग इसके अंदर जो नंबर ऑफ बॉल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसीलिए जो फिलिंग नॉच बियरिंग होती है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आपके सिंगल लोड डीप ग्रूव बियरिंग से ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग में बात करें कि इसमें जो इसका आउटर रेस होता है इसके आउटर रेस में कट वे बना देते हैं, ठीक है, कट बना देते हैं, उसी कट के थ्रू हम बॉल्स को कई बार इंटर कराते हैं इसके अंदर, तो नंबर ऑफ बॉल्स होती है इसके अंदर भी काफी ज्यादा आती है, यानी कि बिना नोच कट किए भी हम इसमें यानी इनर रेस और आउटर रेस पे बिना नोच कट किए नंबर ऑफ बॉल्स को इसके आउटर रेस पे बने कट से हम अंदर करा करके
बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ बॉल्स को। तो नंबर ऑफ बॉल्स अगर ज्यादा बढ़ेंगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सिंगल लोड डीप ग्रूव से ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, वो एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग की हो जाती है। ठीक है, एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग एक्चुअली जो होता है वो रेडियल और आपका एक्सियल लोड दोनों कैरी करता है, लेकिन एक सिंगल डायरेक्शन में एक्सियल लोड कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो इसकी ज्यादा होती है। तो यानी कि ये रेडियल लोड के साथ साथ बहुत ही हाई एक्सियल लोड है वो कैरी करता है, कौन? एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ करते हैं एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग का? एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग का यूज किया जाता है एक्चुअली स्क्रू जैक में, स्क्रू जैक होता है ठीक है, उसमें यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप नॉर्मली आप देख सकते हैं कि जो पंपिंग सेट बनाए जाते हैं जहां से पानी निकाल करके खेतों में सिंचाई करी जाती है, तो वो जो पंप होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो साइकिल का हेड, जो हैंडल होता है जहां से आप देखते हैं वो ऐसे ऐसे घूमता है पीछे वाले पोर्शन से, तो उस वाले सेक्शन में जो हैंडल का सेक्शन जिस जब ले जाकर के फ्रेम में अटैच किया जाता है, तो उस सेक्शन में भी वहां पे आपका ये बाइसिकल के हेड में एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल डिफरेंशियल, जो रियर एक्सल होता है उसमें एक बड़ा सा गुंबद जैसा होता है, उसमें डिफरेंशियल्स बने होते हैं ऑटोमोबाइल के। ठीक है, यानी कि जो गियर बॉक्स से पावर आती है यूनिवर्सल शाफ्ट के थ्रू वो उसी में दी जाती है, जिससे वो आपका जो दोनों व्हील होता है उसमें वो ट्रांसफर करता है, तो वहां वाले पोर्शन में भी आपकी ये एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग यूज करी जाती है। ठीक है, मशीन टूल स्पिंडल, जो मशीन टूल स्पिंडल होती है जैसे लेथ मशीन है तो उसका स्पिंडल जहां पे फिक्स होता है, जो रोटेटिंग पार्ट होता है मोटा सा, उसमें भी जो बेयरिंग यूज होती है वो एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग होती है। तो इस तरीके से एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग जो है उसका एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग। अब बात सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग की आती है, तो इसमें क्या है, ये एक स्पेशल टाइप की बेयरिंग है। स्पेशल टाइप बियरिंग का क्या होता है कि मान लीजिए कई बार जो शाफ्ट आप अटैच करते हैं उस बियरिंग में वो थोड़ा सा उसको डिफ्लेक्ट होता है, तो डिफ्लेक्ट होना, जरा हम डिफ्लेक्ट होना पहले समझ लें। डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि जैसे अगर ये शाफ्ट है, ये आपका शाफ्ट सीधा सीधा शाफ्ट इस तरह से, इसकी एक्सिस जो है इस तरह से है, तो अगर ये बहुत ही माइनर मान लीजिए इस तरह से इसके बीच में एक एंगल जो है वो आ जाता है कि इतना जो है ये नीचे, या फिर इसी तरह से हम ये कहें ऊपर की तरफ, यानी ये लाइन है इससे इधर और इससे इधर दोनों तरफ ये 2 से 3 डिग्री करीब मान लीजिए डिफ्लेक्ट होता है, या तो नीचे ऊपर हल्का सा 1 डिग्री ऊपर 1 डिग्री नीचे, तो दोनों के बीच का एंगल 2 डिग्री हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है 2 डिग्री है, तो इस तरह से अगर ये डिफ्लेक्ट होता है तो इस डिफ्लेक्शन की कंडीशन के लिए, इसको सेल्फ अलाइनमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग। ठीक है, ये जो है जो इसके बीच में शाफ्ट रोटेट करता है उस शाफ्ट को 2 से 3 डिग्री का सेल्फ अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है ये बियरिंग। एक्चुअल में क्या होता है कि जो बॉल बियरिंग होती है, बॉल बियरिंग में बॉल्स के बीच का जो क्लियरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि अगर हल्का सा भी उसमें मिस अलाइनमेंट है, यानी शाफ्ट जो अगर आपने बियरिंग में फिट कर दिया है और उसमें जरा सा भी मिस अलाइनमेंट है, तो वो उस लोड को बियर नहीं कर पाती है जो उसका डिजाइन लोड है, उससे ज्यादा ये लोड हो जाता है। तो फ्लक्चुएशन की कंडीशन में डिजाइन लोड से ज्यादा लोड प्री लोड हो जाती है वो, जिससे बियरिंग के फेल होने की पूरी संभावना बन जाती है, पूरी कंडीशन हो जाती है वहां। ठीक है, तो इस चीज से बचाने के लिए क्या किया जाता है, ऑलरेडी इस बियरिंग में 2 to 3 डिग्री डिफ्लेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कैसे करते हैं, तो इसका जो आउटर रेश होता है उस आउटर रेश वाले पोर्शन को स्फेरिकली ग्राउंडेड कर दिया जाता है, यानी ये जो पोर्शन है इसमें स्फीयर जैसा ग्राउंडिंग कर दी जाती है, यानी जो वो बनाया जाएगा शेप इसका वो स्फेरिकल शेप बनाया जाता है, ताकि ये फ्लक्चुएट करे तो ऊपर का पोर्शन जो होता है वो फ्लक्चुएट कर सकता है ये। ठीक, तो यहाँ पे जो हम ग्राउंडिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी जो हम सेल्फ अलाइनमेंट के लिए जो ये 2 to 3 डिग्री एडजस्टमेंट देते हैं, वो एक्सटर्नल सेल्फ अलाइनमेंट भी हो सकता है और इंटरनल सेल्फ अलाइनमेंट दोनों हो सकता है। तो एक्सटर्नल सेल्फ अलाइनमेंट में क्या करते हैं कि जो ऊपर का जो पोर्शन होता है उसमें स्फेरिकल पोर्शन प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंड करते हैं, जबकि नीचे का इनर रेज होता है इनर सेल्फ अलाइनमेंट में, इनर रेज में आपका स्फेरिकल सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंड करते हैं। ठीक है, ग्राउंड करने का मतलब है कि उसमें हम मशीन से उसको ग्राइंड करके बना देते हैं वैसा से। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका जो है सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग जो होती है वो हो जाती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऊपर वाला जो पोर्शन यानी आउटर रेस जो होता है उसको हम आसानी से बिना इस पूरे ऑपरेशन को इंटरफेयर किए, यानी बिना इंटरफेयर किए इस ऑपरेशन को आसानी से इसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी, कई बार ये क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछ लिया जाता है कि हम कौन सी ऐसी बेयरिंग है जिसमें हम आउटर रेस को बिना ऑपरेशन को इन्फेक्ट के डिस्प्लेस कर सकते हैं आसानी से। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आउटर रेस का सेल्फ लाइनिंग बेयरिंग में होता है। इसमें एक और बेयरिंग है जो आप पढ़ेंगे डबल रो, जो है आपकी बेयरिंग होती है। तो डबल रो में क्या होता है, जैसे यहाँ पे सिंगल रो डीप ग्रूव है उसी तरह से यहाँ पे एक डबल रो बना दिया जाता है। तो डबल रो बेयरिंग एक्चुअली जो होती है उसमें रेडियल या फिर जो क्या कहते हैं पॉइंट कांटेक्ट बनता है, तो उसके केस में एक एक रो की बजाय जो वो है आपका, जैसे मान लीजिए ये है सेक्शन, एक रो ये चल रही है आपकी बॉल्स की या फिर रोलर की और दूसरी रो ये चल रही है, तो यहाँ पे इस तरह से जो है दो रो लगा दी जाती है तो वो डबल रो हो जाती है। डबल रो में क्या होता है कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसका जो स्पेस होता है वो काफी जो होता है, सॉरी स्पेस काफी ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी एज कम्पेयर टू सिंगल रो के वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितनी आपकी टाइप्स ऑफ बॉल बियरिंग थी वो हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया। आपकी जो बुक्स होगी उसमें कई बार इसको जो है स्पेशल बियरिंग के नाम से भी दिया होगा कि सेल्फ लाइनिंग बियरिंग, एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग या फिलिंग नॉच बियरिंग या फिर सिंगल रो एक ग्रो बियरिंग। तो आपको बस ये जानना था, आपने इसको कम्प्लीटली देख लिया। आप एक बार आराम से, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करिए, फिर आप बैक करिए, बार बार करके देखिए, तो आपको पूरी बात जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो थोड़ा पोर्शन बच रहा है वो बच रहा है रोलर कॉन्टेक्ट बियरिंग का, तो इसका क्लासिफिकेशन हम अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में वो हम आपको दे देंगे। चलिए, होप कि आपको जो है ये अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। जो कुछ भी है आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।